आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड प्रकरण में फरार सभी 6 पुलिस कर्मियों पर 25,000 रुपए का इनाम हुआ घोषित। पुलिस उपायुक्त कानपुर दक्षिण रवीना त्यागी ने दी जानकारी। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा शक्ति पीठ में सायंकाल की गई मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना मंत्रोच्चारण के साथ मां जगदम्बे की गई पूजा। भाजपा आईटी एवं सोशल मीडिया की मंडलीय कार्यशाला का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। कहा, लाभार्थियों से बात कर सोशल मीडिया के लिए बनाएं छोटे और प्रभावी कंटेंट, लाभार्थियों का नेटवर्क तैयार कर विपक्ष को दिखाएं आईना। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने एक शातिर लुटेरे प्रेम शंकर को किया गिरफ्तार। लूट का 6,700 रुपए, एक मोबाइल फोन, एक देसी तमंचा व एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बाल श्रम उन्मूलन समिति एवं बाल श्रम टास्क फोर्स समिति की बैठक। श्रम कानूनों को कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई संचारी रोग अभियान व दस्तक के टास्क फोर्स की बैठक। 18 अक्टूबर से शुरू हो रहे अभियान के तीसरे चरण की सफलता पर हुई चर्चा। अभियान को सफल बनाने के दिए निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय के डेलीगेसी द्वारा वार्षिक पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में विजयी 140 खिलाड़ियों को कुलपति ने प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर किया सम्मानित। कहा, शिक्षा के साथ खेल का होना है जरूरी। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की समीक्षा बैठक। कहा, छात्रवृत्ति वितरण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित हुआ मीडिया प्रभारियों की कार्यशाला। दी गई मीडिया के कार्यों की जानकारी। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, मीडिया प्रभारियों के दम पर एक बार फिर प्रदेश में बनेगी भाजपा सरकार। जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 260 केंद्रों पर 55,748 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। प्रथम डोज लेने वालों में 32,463 और सेकेंड डोज लेने वालों में 23,285 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और मिशन शक्ति अभियान के तहत संभागीय परिवहन विभाग द्वारा महिला ऑटो चालकों को किया गया सम्मानित। सड़क सुरक्षा के प्रति दिलाया गया शपथ। दी गई योजनाओं की जानकारी।